देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ 30 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन, 30 जूल जो हमारा है वर्क वो करना है, टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 5 कूलम, 5 कूलम का एक क्या है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसको क्या करना है, मूव कराना है अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 12 वोल्ट। एक पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल क्या है अपना 12 वोल्ट है, टू अनोदर पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज वी, दूसरा पॉइंट जो हमारा है उस पे पोटेंशियल क्या है वी वोल्ट है। तो हमें बोल क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, वी का वैल्यू जो है पोटेंशियल जो है वो हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है। देखिए एक प्लस क्यू चार्ज ले लिए, दो पॉइंट हमने लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ओके, अब हमें क्या करना है कि पॉइंट ए को पॉइंट बी पे लाने में कितना पोटेंशियल लगा हम लोगों को वही निकालना है क्वेश्चन में। पॉइंट ए पे हमारा वैल्यू क्या क्या गिवेन है, क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है जो 5 कूलाम गिवेन है, और वी वन दिया हुआ है, वी वन क्या है हमारा 12 वोल्ट है, और वी बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए एनोदर चार्ज का वैल्यू क्या दिया हुआ है वी वोल्ट, तो वी बी हमारा क्या हो जाएगा वी वोल्ट। और क्या है हमारा वर्क डन क्या है, ए टू बी का वर्क डन जो है ए बी का वो क्या है 30 जूल, ये हमें क्वेश्चन से दिया हुआ है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए अब हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, वी ए दिया हुआ है 12 वोल्ट और वी बी दिया हुआ है वी वोल्ट। ओके, और वर्क डन जो है ए बी का वो किया क्या दिया हुआ है 30 जूल, और एक टेस्ट चार्ज है जिसको हम लोग क्यू नॉट नाम दिए, वो क्या है हमारा 5 कूलाम का है। अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में, वी इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, मतलब क्या हो गया वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, यहाँ पे क्यू नॉट क्या है हमारा टेस्ट चार्ज है। सो देखिएगा वी कहाँ से कहाँ को निकालना है, ए से बी तक, तो वी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा डब्ल्यू ऑफ ए बी, वर्क डन ऑफ ए बी होगा बाई क्यू नॉट। ओके, अब देख लीजिए एक नोट आप लोग लिखिए, ये जितने भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स है उनको बनाने में आप लोगों को ये बहुत सहायता करेगा। देखिए क्या है हमारा, हम लोगों को जब भी पोटेंशियल निकालने के लिए बोलेगा एक ए बी का, ओके पोटेंशियल ऑफ ए बी का, तो क्या होगा वर्क डन ऑफ बी का पहले लिखेंगे माइनस वर्क डन ऑफ ए, और अगर हम लोगों को पोटेंशियल निकालने के लिए बोले बी ए का तो क्या होगा वर्क डन ऑफ पहले किसका लिखेंगे ए का माइनस वर्क डन किसका बी का। अब देख लीजिए हम लोगों को क्या है, ये तो वर्क डन में रिलेशन दिया हुआ है ना, अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है हमारा पोटेंशियल दिया हुआ है, वी ए का वैल्यू दिया हुआ है, वी बी का वैल्यू दिया हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे वी पोटेंशियल में रिलेशन फाइंड करेंगे। सो पोटेंशियल में रिलेशन देखिए कैसे निकलेगा, पोटेंशियल ऑफ ए बी क्या हो जाएगा हमारा पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, अब हम लोग क्या करेंगे पोटेंशियल किसका निकालेंगे बी ए का, तो वो क्या होगा हमारा पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। ये क्या था, इसको आप लोग नोट लिख के नोट डाउन कीजिए, ये क्या है हमारा ये नोट है, आपको ये बहुत सहायता करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल बनाने में, जब आपको बोला जाएगा कि पोटेंशियल निकालिए ए बी का और बी ए का। ओके, तो आइए अब हम लोग क्या देख लेते हैं, यहाँ क्या था हमारा पोटेंशियल निकालना था हमको ए बी का, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वर्क डन ऑफ ए बी का बाई क्यू नॉट। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑफ ए बी, क्या लिखेंगे हम वी बी माइनस वी ए, यहाँ नोट में जो मैंने लिखवाया उसको देखिए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्क डन ऑफ ए बी बाई क्यू नॉट, वी बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है वी वोल्ट और वी ए का वैल्यू कितना है 12 वोल्ट, सो वी माइनस 12 इक्वल्स टू वर्क डन ऑफ ए बी कितना गिवेन है 30 जूल, 30 बाई क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज कितना है 5 कूलाम बाई 5 कितना आ गया 5 से 5 5 6 30। अब देखिए क्या है वी माइनस 12 इक्वल्स टू क्या हमारा आया 6, यहां से हम लोग वी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 6 और इधर माइनस में 12 है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में 12, तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस 12
क्या हो जाएगा 18 वोल्ट। सो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए।